हेलो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, डरो नहीं डरो नहीं। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आप लोग देख रहे हैं कितनी प्यारी सुबह हो रही है। एक्चुअली आज हम लोगों ने मिस कर दिया SGT क्लब का वर्कआउट, क्योंकि आज हम लोग लेट उठे। 30 या 40 व्लॉग्स हो चुके हैं रेगुलर, और 40 दिन में एक दिन तो ऐसा होता ही है जब आप लोग सुबह ना उठो। हमारे साथ भी वही हुआ, बट हम लोग वॉक करने आ चुके हैं। और मूविंग बडीज़ ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि SGT क्लब को कैसे ज्वाइन करें और क्या फ़ीस है, कितने एज के बच्चे आ सकते हैं। तो उनका जवाब देने के लिए भी मैं आज पहुँचा हूँ। तो ऐसे ही सवाल करते रहिए, आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो अभी सारी क्वेरीज आपकी कवर करेंगे हमारे अरुण सर, जो कि SGT क्लब के ओनर भी हैं और कोच भी हैं। तो मिलवाते हैं आपको अरुण सर से। कैसे हो, तुम्हारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया? ओ लाली 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 लाली, इससे मिले बिना। अरे एक सस्ती सेल्फी स्टिक ना महंगी पड़ जाती है। हैं मिस किया, अब क्या करें, नया कब दे रहा है, पैसे दो बाय। कैसे चल रही प्रैक्टिस? बढ़िया चल रही। आज का वर्कआउट? आज का 400 की 8। 400 की 8, 1:10 वाली पे। अच्छा, एक एक मिनट 10 सेकंड, गुड। 500 के 4 139 से लेके वाली बेस पे, और उसके बाद थी 80 की 3 स्पाइक्स में, फिर 30 की 3 स्पाइक्स। अरे बस बस भाई, सब बताऊंगा। जीत जाएगा क्या इस बार, कंफर्म है? जीतना है। गुड गुड गुड। जीतना नहीं, टाइम ब्रेक करना अपना। टाइम भी ब्रेक करना, जीतेगा भी तू ही, चिंता मत कर, भरोसा रख अपने ऊपर। गुड मॉर्निंग अरुण सर, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, बस बढ़िया, आप बताओ? बस बढ़िया यार। आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था मूविंग बडीज का, हमारे एक सब्सक्राइबर और हमारे दोस्त भी हैं, वो कह रहे थे कि आज SGT क्लब के बारे में थोड़ा बताइए डिटेल में कि किस तरह का वर्कआउट होता है और यहाँ पे क्या फी स्ट्रक्चर है, कितने एज ग्रुप के लोग आते हैं, और मतलब सारी डिटेल चाहते हैं लोग। ओके ओके, तो अमन देखो, ये बेसिकली फिजिकल फिटनेस क्लब है, और इसके अलावा हम एथलेटिक्स के लिए तैयार करते हैं बच्चे। एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट्स है, जैसे शॉर्ट इवेंट्स, मिडल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, और या थ्रोइंग इवेंट्स। तो ये ट्रैक एंड फील्ड एक हम इवेंट्स के लिए तैयार करते हैं बच्चों को, और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एज ग्रुप्स होते हैं इसमें। पर बेसिकली हम यहाँ पे इस क्लब में हम 5 साल से ऊपर के बच्चों को लेते हैं। अच्छा, 5 साल से ऊपर, चाहे कितने भी हो जाए। जैसे कि 35 अबव के पेरेंट्स भी आते हैं हमारे पास, 50 ईयर्स की लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स आते हैं। उनका क्या होता है, उनका अभी जैसे उनका फिजिकल फिटनेस चलता चलता है, प्लस उनका भी एथलेटिक्स गेम होता है, मास्टर एथलेटिक कॉम्पिटिशन। Okay. तो मास्टर्स गेम जो होते हैं उसमें एथलेटिक्स गेम में सारे ऑल इवेंट्स आते हैं, तो ये पेरेंट्स वो खेलते हैं। और बेसिकली इसको ज्वाइन अगर करना है अगर आपको, तो ज्वाइन करने का एक पर्पस होना चाहिए आपके पास, और एक एम होना चाहिए कि हाँ मुझे इस क्लब को क्यों ज्वाइन करना है। उस एम के साथ आपको आना है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको एक फॉर्म होगा नॉर्मल फिल करना है उसको, उसका कोई फी चार्ज नहीं है। प्लस इसकी फ़ी भी अलग अलग डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस से आए हो। आपको PT क्लास चाहिए, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, या ग्रुप चाहिए, ग्रुप में भी किस तरह से आए हो आप, तो उसके अलग अलग फ़ी का है। आपको अगर फी के बारे में जानना है या कुछ भी बात करनी है, तो आप DM कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट करके। और यार टाइमिंग क्या रहेगी, क्योंकि बहुत लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं। हाँ, टाइमिंग इसमें क्या है, कई डिफरेंट टाइमिंग रखी हुई है हमने। जैसे कि अभी विंटर चल रहा है, तो विंटर्स में टाइमिंग थोड़ा चेंज करा हुआ है, समर में चेंज करते हैं। तो बेसिकली अभी जो टाइम है वो है 5 to 6 AM, ये एक फर्स्ट ग्रुप है मॉर्निंग का। उसका सेकेंड ग्रुप 6 to 7:30 सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप है आपका ये 7:30 to 9:30, उसके बाद आपका इवनिंग में होता है। अच्छा, इवनिंग में भी, इवनिंग में एक ही ग्रुप है, इवनिंग में 5 to 6:30 PM 5 to 6:30। हाँ जी, ठीक है। तो यार ट्रैक एंड फील्ड का तो पता चल गया कि यहाँ पे एथलेटिक्स की बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, बट हम लोग फिटनेस के बारे में और जानना चाहेंगे। जो लोग सिर्फ एथलेटिक्स नहीं करना चाहते, जो फिटनेस बस बॉडी फिटनेस के लिए आए, तो उसमें क्या क्या होगा? ट्रैक एंड फील्ड तो अलग है बिल्कुल। फिटनेस में क्या होता है, कई सारी चीजें होती है, जैसे 5 मोटर कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम डेवलप करते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, ठीक है। जैसे कि आपका स्ट्रेंथ हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है, और आपका ये एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ये सारी मोटर कॉम्पोनेंट्स होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स को जो डेवलप करते हैं हम। एंड्योरेंस हो गया, तो इन सबको डेवलप करके इससे क्या होता है कि ये सारे मोटर कॉम्पोनेंट्स है ना, ये ऑल गेम में अप्लाई होते हैं। अगर छोटा बच्चे के अगर ये सारी चीज़ें डेवलप कर दी गई, तो ये सब गेम में अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो बैडमिंटन खेले या स्विमिंग करे, सब में यूज़ होगा ये। सही बात है। इसलिए ये फिजिकल फिटनेस हम ये सब इंक्लूड करते हैं, जिससे बच्चा मोटिवेट होके आगे और मूव करे, या कोई भी गेम को चूज कर सकता है कि यहाँ मुझे इस गेम में जाना है, उसको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। फिर यहाँ पे हम बेसिकली बेस तैयार करते हैं। ये हमारा लोकेशन कुछ साकेत में है, सेक्टर 5 में।
ठीक है, ये एक लौता पार्क है, पार्क को एक बार विजिट कर सकते हैं, अपन देख ले सकते हैं। यहाँ पे बीच में कोई आप रनिंग सर्फेस का बहुत एरिया है यहाँ पे, ठीक है। बाहर की तरफ ट्रैक भी है इसका, और इसकी ट्रैक की मेजरमेंट भी की हुई है हमने कि 100 मीटर कहाँ से, 200 का है, 1000 का है, जो भी है किलोमीटर वगैरह सब करा हुआ है हमने। तो आपको जो भी इंक्वायरी है और कुछ भी ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, आप इस पेज को फॉलो करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि जो आसपास के लोग हैं जो आपके पास है वो भी देखे कहाँ है ये चीज़, और बॉडी मतलब फिटनेस के प्रति थोड़ा जागरूक हो, बिल्कुल भाई मोटिवेट हो, ठीक है, देख के। और आई होप आपको ये पेज बहुत अच्छा लगा होगा कि इसके थ्रू आपको काफ़ी सारी चीज़ें नॉलेज मिल रही होगी, और शायद जो दूर भी रहते होंगे वो खुद से भी करने की कोशिश कर रहे होंगे। सही बात है, मैं अमन को थैंक यू बोलूँगा कि इनके वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग मोटिवेट होते हैं और बहुत लोगों ने मतलब इंस्पायर होके इनके पास आए हुए। गुड, थैंक यू, थैंक यू। आप भी भाई सुबह उठ के इतना मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट किया, बस ले आते हम भी। थैंक यू। ओके, तो अरुण यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, और अंकित मुझे जितना पता है कि बहुत पुराना है, तो क्या ये आपका पहला स्टूडेंट था? एक्चुअली ये हमारा पहला स्टूडेंट था, जब मैंने इसे केवी स्कूल में देखा था तभी टाइकोंडो गेम खेलता था। अच्छा, ठीक है, और ये छोटा सा था, इतना सा था 13-14 साल का था। तो मैंने इसे जस्ट ऐसे बोला कि आप रनिंग अच्छी करते हो, पार्क में आओ। अच्छा, तो पार्क में आया, फिर मैंने देखा बेटा आपका एंड्योरेंस ज्यादा अच्छा गेम है, आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर सकते हो, बाकी तो फिर अंकित ही बताएगा फिर कहाँ से इसकी आगे स्टार्टिंग। फिर बाद में भैया ने वर्कआउट कराया, लॉन्ग डिस्टेंस का कराया, फिर बाद में अच्छे मेडल्स भी आने लग गए स्कूल रीजनल नेशनल में। मेरे स्कूल से मैं फर्स्ट था जो SJFI गया था लॉन्ग डिस्टेंस में, एथलेटिक्स में बाय द वे, क्योंकि बाकी में वॉलीबॉल में टीम जाती थी हमारी, ज्यादातर वॉलीबॉल में जाती थी और ज्यादा स्पोर्ट्स तो नहीं होता था। दूसरा एथलेटिक्स मेरे स्कूल में फेमस बाय द वे मैंने ही करवाया था, फिर वहां से और बच्चे आने लग गए, बच्चे इनकरेज हुए मेरे को देख के, तो अच्छा लगता है कि बच्चे भैया भैया बोलते हैं कि मेरी वजह से उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज हो गई। सही बात है, तेरे को देख के बहुत लोग मोटिवेट हुए, मैं भी मोटिवेट हुआ। बच्चे बोलते हैं कि अंकित भैया की तरफ भाग रहा है, अंकित भैया की तरफ भागना है, सही बात है, काफी अच्छा लगता है। क्योंकि जब आपके सामने इतना बड़ा कॉम्पिटिशन हो तो एक होता है ना कि यार इसको हराना है अंकित। मैं जब आता था यहाँ पे तो पहले आदित्य निखिल सब ये थे कि अंकित को हराना, अंकित को हराना, तो आपको हराते हैं, मैं अपने से जो ज्यादा है सही बात है हराने की कोशिश करता हूँ, तो ये ग्रोथ होती रहती है। सही बात है, लाइफ में हसल जरूरी है, करते रहना। तो नेशनल में क्या इवेंट मतलब वो क्या आया था मेडल? नेशनल में मेरा क्या कहते हैं, मेरा जूनियर नेशनल में गया था, तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे क्या कहते हैं फाइनेंशियली अपने आप ही करना होता है, जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल से जाते थे तो वहाँ पे खाना पीना सब होता था, मतलब वो स्कूल वाले प्रोवाइड करते थे, लेकिन क्या कहते हैं ओपन्स में ऐसा नहीं होता, ओपन्स में आपको बस रेस के लिए ले जाते हैं वहाँ पे आपको, तो मेरी रेस लास्ट में थी, लास्ट वीक में थी, तो 7 डेज मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो जैसे तैसे मैंने वहाँ पे कोच से पैसे लेके किया, अपना रहने वहने का जगह ठीक थी, लेकिन वो मेरा उतना अच्छा वो नहीं आया, अपना बेस्ट नहीं दे पाया मैं, बेस्ट से भी बहुत नीचे गया था मैं, इसलिए वहाँ पे मेरा मेडल नहीं पड़ पाया। और उसके बाद तो 2019 की बात है, उसके बाद तो लॉकडाउन ही हो गया था सर, उसके बाद अभी फिर से स्टेट आने वाले तो उसकी प्रैक्टिस चल रही है। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छा रहेगा दिल्ली स्टेट। थैंक यू। चलो अरुण, थैंक यू मन, वेलकम यार टाइम देने के लिए। चलो बाय लाली, ये भी ग्रुप की शान है। बाय बाय लाली, हमारा ग्रुप एक और नाम से जाना जाता है, लाली द डॉग। हाँ भैया, चलो चलो चलते हैं। तो आई होप आज का इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो, SGT क्लब के बारे में भी पता चल गया और थोड़ा सा अंकित के बारे में जान ही गए होंगे, वैसे तो अंकित को जानते ही हो आप लोग, और अगर नहीं जानते तो आज जान गए होंगे अच्छे तरीके से। बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम लोग एक एक करके आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक्स मूविंग बडी फॉर द क्वेश्चन। वेलकम ब्रो। अरे मूविंग बडीज जो सब्सक्राइबर उनका क्वेश्चन पूछे थे, थैंक यू, वो आपको बोलेंगे कि आपने जवाब दे दिए सारे। अच्छा, तो चलते हैं, आज शाम को कोई प्लान होगा तो बताना अंकित, स्टेडियम जाएगा आज? तो अंकित की स्टेडियम में भी प्रैक्टिस चल रही है, मॉर्निंग में ये यहाँ पे भी आके प्रैक्टिस कर रहा है, इस बार स्टेट में कुछ कमाल करेगा। ठीक है, अपना बेस्ट दे देना। यस, चलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है जैसे कि आज मूविंग बडीज ने हमसे पूछा, तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डेली व्लॉग्स आते रहेंगे।